भारतीय सिनेमा सिनेमा के नाम पे अश्लीलता का एक अड्डा बन चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। हमारा सिनेमा वाकई में शर्मनाक इतिहास की तरफ बढ़ रहा है, बेहद शर्मनाक इतिहास की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के हालात यहाँ पे हो रहे हैं, एक दिन ऐसा ना हो कि ऐसा इतिहास लिखा जाए कि जिसमें सिर्फ काली बुद्धि हो। और हिंदुस्तान, जिसे हम सनातन संस्कृति का धनी कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ बाहर से आने वाली लड़कियों के साथ ही गलत नहीं होता। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हर लड़की अपने करियर के लिए अपने करेक्टर को दांव पे लगा रही है। ये बेहद शर्मनाक है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने की जिम्मेदारी तो सभी की होती है, लेकिन लड़कियों की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लड़कियों का चरित्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। और बॉलीवुड में हमने देखा है, जितनी लड़कियों ने भी गलत काम करने से इनकार किया, उनका करियर बर्बाद हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो कमा के खा रहे होंगे ना, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को बचा के रखा। जिस तरह से मैंने पूजा मिश्रा का वीडियो देखा, उसने सोनाक्षी सिन्हा पे सीधे सीधा इल्जाम लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा एक जाने माने फैमिली से, एक अच्छे खासे परिवार से, उन्होंने अपने आप को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए सलमान खान के साथ जिस तरह की हरकतें, पूजा मिश्रा के वीडियो मैंने देखी, वो वाकई में बेहद शर्मनाक है। अगर यहाँ पे जो फैमिली भी यहीं से जो जिसने जन्म लिया है, इन्होंने यहाँ पे रह के जो अपने चरित्र को दांव पे लगा रहे हैं अपने अपने करियर के लिए, तो ऐसी लड़कियाँ क्या उदाहरण पेश करेंगे? क्या हमारे देश की लड़कियां इन लड़कियों से सीखेंगी? इन्हें तो मैं अपना आदर्श मानते हैं, इन लड़कियों को बिल्कुल आदर्श मत मानो। क्योंकि बाहर से जो लड़कियां जाती हैं उनके लिए तो हमने एक बार सोच लिया कि अरे वो बाहर से जाते हैं, उन्हें चक्का जो अपने खींच लिया, उन्हें अपना वहाँ पे करियर बनाना है, उन्हें बड़े पर्दे पे दिखना है, तो वो कपड़ों मैच करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी हीरोइन बिना गलत काम के यहाँ पे अपना मुकाम पा पाई हो, ईमानदारी से और बड़ी इज्जत के साथ। इसीलिए मैं हर बारी, अब मैं इसीलिए कह रही हूँ, इस फिर सिनेमा जगत का बहिष्कार करके एक नए सिनेमा की हमें ज़रूरत है, नए स्वरूप में, नए संस्कृति के साथ और हमारे सनातन धर्म की इज्जत रखते हुए। यहाँ कितने भी धर्म बच जाए, कोई हम सब धर्म किसका सम्मान करते हैं, लेकिन इस धरती की पहचान सनातन धर्म से है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती हम इस सनातन धरती की इज्जत करें? यहाँ पे जो लड़कियाँ बाहर से आती हैं उनको वो तक किसी न किसी के साथ के अपना करियर बनाने के लिए उनको किसी के साथ सोना पड़ता है, कितनी शर्मनाक बात है। सोनाक्षी सिन्हा क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? कहीं पे जाके आप अपना कुछ भी जॉब कर लेती किसी और क्षेत्र में जाके, क्योंकि उन्हें इसी क्षेत्र में आना था। और सलमान खान जैसे लोग फिर इस तरह का फायदा उठाते हैं। और ये पूजा मिश्रा की जो वीडियो में देखा, कितना गंदा था। क्या इस तरह के टैलेंट की वजह से आप अपने आप को साबित करोगे? बात तो तब है जब आप अपने बड़ी हिम्मत के साथ इसी इंडस्ट्री में रह के एक एक महिला होने के नाते ये मत कहो कि मैं महिला हूँ, मैं कमजोर हूँ। अपने बलबूते हासिल करो जो भी करना है। या तुम नेपोटिज्म के माध्यम से आते हो, या आप अपने चरित्र को दांव पे लगा के आप सिनेमा में आते हो और पूरे पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे दुनिया के लिए गलत उदाहरण पेश करते हो। जब तक चीज़ें छुप रही हैं तो छुप रही हैं, जब सामने आती हैं तो आप लोगों को समझ इतनी भी शर्म नहीं है कि हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास को आप किस तरह से, किस काल से
आप पोत्री हो, किसका क्या कितना काले अक्षरों से किस तरह का इतिहास आप हमारे भारतीय सिनेमा को दे रहे हो। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि आप वहाँ पे जाके अपना करियर बना लो और अपना पैसा कमाओ ऐसे आराम की ज़िंदगी के लिए। आपने अपनी शक्ल दिखा लिया अपना नाम बचाने के लिए, अपने नाम दुनिया में फेमस करने के लिए, और भारतीय सिनेमा के इतिहास को जो कलंक लग रहा है एक, उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एक दिन पूरी दुनिया इस भारतीय सिनेमा के इतिहास पे थूकेगी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सोनाक्षी सिन्हा जैसी लड़कियां होंगी। हर को लड़की सारी सिनेमा जगत के महिलाएं होंगी, चाहे वो छोटी कलाकार हो बड़ी कलाकार हो, यहाँ बिना कॉम्प्रोमाइज का कोई काम नहीं मिलता। अगर हिम्मत है तो बिना कॉम्प्रोमाइज का काम करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि ये भारतीय महिला है, ये सनातन संस्कृति है। शर्म कर लो थोड़ा सा, सिर्फ अपने लिए नहीं हमारे संस्कृति और संस्कारों के लिए सोचो, एक महिला होने के नाते। अपने को तो तुम किसी भी बिस्तर में जाके लेटा देते हो रोल पाने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे सिनेमा पे के इतिहास में किस तरह से कलंकित हो रहा है, हमारे हमारा सिनेमा का इतिहास कितना कलंकित हो रहा, कितनी काली किस पे पुत्र रही है। शर्म करो आप लोग थोड़ा सा।